अहम टॉपिक आता है करंट या नेम या न्यू नेम या ओल्ड नेम्स ऑफ कंट्रीज। तो इथोपिया का पुराना नाम था अबिसानिया या हबशा। अनकरा जो तुर्की का कैपिटल है, इसका पुराना नाम था अनकोरा। और देखो, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया पहले एक ही कंट्री थी, चेकोस्लोवाकिया। चेक का पुराना नाम बोहेमिया और स्लोवाको क्या मोराविया। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतिनबोल या कुस्तुनतुनिया। चाइना के कैपिटल पीजिंग का पुराना नाम पेकिंग। ईरान का पुराना नाम पर्शिया। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया। जिम्बाब्वे का पुराना नाम साउदर्न रोटेशिया। जैम्बिया का पुराना नाम नॉर्दर्न रोटेशिया। हो चिन मिन सिटी सागोन साउथ वियतनाम। सैन पीटरबर्ग का पुराना नाम लेनिन के नाम पर लेनिनग्राद या पेट्रोग्राद। थाईलैंड का पुराना नाम था सियाम। अब देखो, तंजानिया के बहुत सारे नाम हैं। तनकनगी का भी है, इस नाम की एक लेग भी है। जंजीबार और जर्मन ईस्ट अफ्रीका, क्योंकि इस खत्ते पे जर्मनी का कब्जा था। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो का पुराना नाम ज़ाइर है, और इसी के नाम पे एक रिवर भी है, ज़ाइर रिवर या कांगो रिवर। नेबीबिया का साउथ वेस्ट अफ्रीका। मोल्दोवा का मोल्दाविया। पर्किना फासो का अपर वोल्टा। लीबिया का ट्रिपोलिटानिया और सारनेशिया, ये दोनों पुराने नाम थे। अल्जीरिया का नुमीदिया। माली का सूडानीस रिपब्लिक। फ्रांस का गाउल। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक चैट का फ्रेंच। इक्वेटोरियल अफ्रीका। रवांडा और बुरंडी का जर्मनीस अफ्रीका। नॉर्थ चाइना का पुराना नाम कहते, ये बड़ी दिलचस्प बात है, साउथ चाइना का मांगी। और वियतनाम के बहुत सारे नाम थे, जो साउथ वियतनाम था ये कहलाता था चीचोचिन चाइना, सेंट्रल अन्नाम और नॉर्थ टोंकिन। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। टोक्यो का पुराना नाम ईडो। और कोरिया, चाहे नॉर्थ साउथ हो, दोनों का पुराना नाम चूजन। जी, हार्डेस्ट क्वेश्चन, या जिसको हम सुपर क्वेश्चंस में कहते हैं, डी इंग्लिश में 4 के बराबर होता है, एन 14 के, वाई 25 के। वेल, एक बात सुनो, अगर मैं ये 4, ये 14 और ये 25, तो इब्तदा तो बड़ी आसान होते हुए दिख रही है कि भाई यहाँ 10 का फ़र्क है, यहाँ 11 का फ़र्क है। और अगर के 11 के बराबर होता है और एक्स 24 के बराबर, तो ये भी समझ में आता है कि भाई ये 13 का फर्क है। अच्छा, दरमियान में कुछ मिसिंग चल रहा है। वेट अ मिनट, आराम से देखो, एग्जाम वाले दिन तुम जब बैठे होगे कैसे माइंड बनाओ। अब यहाँ क्या है उसको छोड़ दो, फिलहाल यहाँ गौर से देखो। यहाँ फिर ये ए 1 के बराबर होता है, क्यू 17 के, 16 का फर्क। okay. ये तो समझ में आ रहा है ना। एच 8 के बराबर होता है, 26 के बराबर होता है, 18 का फर्क। यार, सबसे पहले जो फर्क आया था 10 का, फिर 11 का, इधर 13 का, फिर दरमियान में कुछ मिसिंग है, फिर 16 का फर्क, फिर एक छोड़ के 18 का। चौंकने वाली बात है कि भाई यहाँ अगर 17 का फर्क होता तो बात समझ में आती, लेकिन क्या पॉसिबल 17 का फर्क कैसे? तो वेट अ मिनट, Q से लेके Z तक कितने लेटर हो गए? 9। फिर Z से अगर काउंट करो तो H किस नंबर पे आता है? 8। 9 और 8 कितने हो गए? 17। समझा रहा हूँ, आराम से देखो। ये खेल यहाँ से शुरू हुआ, वाई 25 था, देखो ना, यहाँ 10 का फर्क था, यहाँ 11 का, यहाँ 12 का होना चाहिए था ना फर्क, क्योंकि आगे 13 का फर्क है। और बिल्कुल है 12 का फर्क, Y से Z एक लेटर, फिर दोबारा Z से K तक 11, एक और 11, 12। यहाँ और से अब देखो, यहाँ 13 का फर्क हो गया, तो अब कुछ 14 का फर्क होना चाहिए था। तो अगर काउंट करो एक्स वाई जेड दो, और बार दो में 12 प्लस करो ना तो 14 होते हैं, यानी कि यहाँ आना चाहिए था L। फिर 14 के बाद कितने का फर्क होना चाहिए था? 15 का। L से Z 14 और एक A को मिला लो तो कितने हो गए? 15। यहाँ फिर देखो 16 का फर्क, Q से Z तक मैंने कहा 9 का फर्क, 17 और 26 में कितने का फर्क होता है? 9 का। 9 और 8 17, और फिर ऑफकोर्स कितने का फर्क है? 18। अगर इससे भी अगला लेटर होता ना 19 का फर्क, यानी क्या आता है? S आता। देखिए, A1 होता है, C3 दो ऐड हुए, C3 G7 4 ऐड हुआ,
G7 M13 6 एट हुआ, M13 U21 8 ऐड हुआ, तो अब ऐड होना चाहिए 10। तो U से लेके Z तक 5, फिर E का मतलब 5, 5 और 5 10, तो अब ऐड होना चाहिए 12। 12 E में ऐड होगा तो ऑफकोर्स क्यों, ये 12 ऐड होगा। अब आगे 14, तो भाई बिल्कुल हो रहा है। अगर ध्यान से देखें Q से Z 17 से 26 9, और 9 और 5 E 5 है तो 14, उसके बाद 16 भी हो रहा है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या आएगा, क्यों आएगा, देखो फिर आराम से देखो, ऑब्वियस सी बात है ये वाला सवाल मैं भी मानता हूँ मुश्किल होता है, लेकिन आते हैं ए भी। ए और सी में 2 का फर्क, सी और जी में 4 का फर्क, जी और एम में 6 का फर्क, एम और यू में 8 का फर्क, यू और ई में होना चाहिए 10 का फर्क। ये 10 का फर्क कैसे आएगा, यू से जेड तक 5, Z से E तक 5, 5 और 5 10, फिर E से Q 12, Q से E 14, E से U 16। B इंग्लिश में 2 के बराबर, J होता है 10 के बराबर, 2 और 10 का फर्क 8 यानी H, L होता है 12 के बराबर, V कितने के बराबर होता है 22 के, 12 और 22 का फर्क 10 यानी के J, एच होता है इंग्लिश में 8 के बराबर, एक्स होता है 24 के बराबर, 16 का फर्क यानी पी, एच 8 जे 10, 8 और 10 का फर्क 2 यानी के बी, जे 10 पी 16, 10 और 16 का फर्क 6। अब पी और एफ, एक 2 के बराबर, एक 6 के बराबर, 2 और 6 का फर्क क्या होता है 4 यानी के डी।